मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कबीर संत समागम दामाखेड़ा मेला में पहुंचे, जहां उनका हेलीपैड पर पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, आईजी अमरेश कुमार मिश्रा, कलेक्टर चंदन कुमार, एसएसपी सदानंद कुमार सहित बड़ी संख्या में पहुंचे जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों ने गुलदस्ता भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज उपस्थित रहे। विश्व प्रसिद्ध सदगुरु कबीर संत समागम दामाखेड़ा मेला में माघ पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेला में दामाखेड़ा का नाम कबीर धाम से नगर दामाखेड़ा करने की घोषणा। मैं पहले भी कई बार दामाखेड़ा इस पवित्र धाम में आया हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते ये पहला आगमन है और आज आप लोगों ने जो स्वागत किया है, आदरणीय हुजूर साहब ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और कबीर पंथ से जुड़ाव हमारा बचपन से ही है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, बगिया, वहां भी बहुत संख्या में कबीर पंथ के लोग हैं। आसपास के सारे गांव में कबीर पंथ के लोग हैं और बगिया में आपसे पहले वाले गुरुजी परम पूज्य गिरिंद मुनि नाम साहेब, उनका पदार्पण हुआ था और एक रात वहां बगिया में उनका विश्राम भी हुआ था। और आज मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूं, कुनकुरी, वहां भी कबीर आश्रम है और वहां भी आदरणीय प्रकाश मुनि नाम साहेब का पदार्पण वहां पर हुआ है। तो इस तरह से बचपन से ही हम कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, बराबर चौका आरती में शामिल होते रहे और हमको लगता है कि इस मेला महोत्सव में हमारे गांव से भी आए होंगे, बगिया से कोई आए हैं, आए होंगे कहीं ना कहीं, किनारे में होंगे ही। हमारे बगिया में भी महंत और दीवान, हाँ, ये सब हैं, सब आते हैं, बराबर मेला में आते हैं। तो ऐसा हमारा सौभाग्य रहा है। और आज हम तो यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो यहाँ पर आया है और आज मुख्यमंत्री के नाते ही हम पूज्य हुजूर साहब से आशीर्वाद लेने आए हैं कि एक छोटा सा गांव का एक किसान का बेटा आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जैसा दायित्व दे दिए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्यमंत्री का दायित्व दिए हैं। तो इतना जो गुरुतर दायित्व है, ये चुनौती भरा ये दायित्व है, इसको निभाने के लिए आज हुजूर साहब का आशीर्वाद हम लेने आए हैं और सभी कबीर पंथियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ की जो 3.75 करोड़ जनता है, जिस विश्वास के साथ मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, मोदी जी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के 3.75 करोड़ लोगों के विश्वास में खरा उतर पाए। और दामाखेड़ा ये धर्म कबीर नगर और हुजूर साहब का लगातार आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा है और सरकार में रहकर कुछ सेवा का भी प्रयास हम लोग बराबर करते रहे हैं, लेकिन आज के इस अवसर में दो आग्रह आदरणीय हुजूर साहब ने किया है। एक तो ये यहाँ का नाम दामाखेड़ा है और ये इतना
पवित्र ये धरती है, ये दामाखेड़ा, तो निश्चित रूप से दामाखेड़ा के पहले कबीर धर्मनगर जुड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हम इसकी घोषणा करते हैं, आगे चल के दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा होगा।